तीन गेंद तीन छक्के, टिम डेविड बन गए पोलार्ड। वो कारनामा करके दिखाया, आईपीएल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यादगार बन गया रोहित का जन्मदिन, आज टिम डेविड बन गए रिंकू सिंह। छक्कों की हैट्रिक लगाई, सचिन ने भी ताली बजाई। आज मैदान पर आया पोलार्ड का भाई, राजस्थान के खिलाफ मचा दी तबाही। फेल हो गई संजू की वो चाल, टिम डेविड ने कर दिया ऐसा कमाल। जैसे ही टिम डेविड ने मैच जिताया, पोलार्ड ने उन्हें गले से लगाया। वानखेड़े में बन गया वो रिकॉर्ड, कोई नहीं पाएगा तोड़। जी, मुंबई के मैदान पर मुंबई को हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज सचिन खुद मैदान पर मुंबई को इस ऐतिहासिक मैच को जिताने के लिए मौजूद थे। मैच से पहले सचिन आज मुंबई के जीत को पक्का कर चुके थे, लेकिन मैच के दौरान मैदान पर पोलार्ड का जुड़वा भाई देखने को मिला, जिसने राजस्थान के खिलाफ तबाही मचा दी। इस मैच में मुंबई की जीत के साथ ही वो कारनामा हो गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। रोहित के जन्मदिन के मौके पर मुंबई आईपीएल का 1000वां मैच खेल रही थी, तो इतिहास रच गया। चलिए पहले आपको मैच की कुछ बातें बताते हैं, फिर बताएंगे इस मैच के दौरान वो क्या कारनामा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। नंबर एक, इस मैच में रोहित शर्मा केवल 3 रनों पर आउट हो गए। इसी के साथ रोहित के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल रोहित आईपीएल के इतिहास में 64वीं बार सिंगल डिजिट में आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर दो, इस मैच में जयसवाल को एक नो बॉल फेंकी गई, लेकिन अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल नहीं दिया, जबकि साफ पता चल रहा था कि वो गेंद कमर की ऊंचाई से ज्यादा थी। नंबर तीन, इस मैच में जिस वक्त सूर्या तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त संदीप शर्मा ने एक हैरान करने वाला कैच लेकर मुंबई कमर तोड़कर रख दी थी। नंबर चार, इस मैच में संजू की भी कप्तानी की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस वक्त सूर्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त संजू ने ट्रेंड बोल्ट को लगाया और बोल्ट ने संजू के साथ मिलकर सूर्या को लेग स्टंप पर मारने का मौका दिया। संजू के उस जाल में सूर्या फंस गए और आउट हो गए। नंबर पाँच, संजू ने शुरुआत में रोहित शर्मा के खिलाफ भी एक प्लान बनाया था। संजू को पता था कि रोहित को संदीप शर्मा कई बार आउट कर चुके हैं और संजू की ये चाल कामयाबी हो गई और संदीप ने रोहित का विकेट चटका लिया। नंबर छह, इस मैच के दौरान आखिरी ओवर में जब 17 रनों की जरूरत थी, तब टिम डेविड ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर मुंबई को रोमांचक जीत दिला दी। आईपीएल 2023 का ये दूसरा सबसे रोमांचक ओवर था। नंबर सात, जिस वक्त टिम डेविड ने मुंबई को जिताया, तो टीम के पूर्व तूफानी बल्लेबाज पोलार्ड ने उठे अपने गले से लगा लिया। टीम की बल्लेबाजी को देखकर सचिन भी अपनी जगह से उछलने लगे और तालियां बजाने लगे। आपको बता दें, ये मैच कई लिहाज से यादगार बना। सबसे पहले रोहित शर्मा का जन्मदिन था, दूसरा आईपीएल के इतिहास का 1000वां मैच था, और तीसरा सबसे बड़ा कारनामा हो गया। दरअसल वानखेड़े के मैदान पर कभी भी इतना बड़ा स्कोर नहीं चेस हुआ था। ये अभी तक का सबसे बड़ा रन चेस हुआ था, और वो भी मुंबई की टीम ने अपने घर पर कर लिया। इसलिए ये मैच मुंबई के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ, जब आखिरी ओवर में लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर टिम डेविड ने इतिहास रच दिया। लेकिन इस हार के बाद भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की तारीफ करनी होगी। उन्होंने आज के मैच में कमाल की कप्तानी करके दिखाई। तो आपका इस मैच को लेकर और मुंबई की जीत को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से मुंबई की इस रोमांचक जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? कॉमेंट करके जरूर बताएं।